हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो जैसा आप जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको बताया था मैंने स्ट्रैटेजी किस चीज़ के ऊपर स्ट्रैटेजी बताई थी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जो आपके बचे हुए दिन हैं, जो बचे हुए आपके पास 3 महीने हैं, उसके अंदर आप किस तरीके से अपने पांचों मेन सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप वहां भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। काफी फायदेमंद वीडियो है, उससे आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे कि जो बचे हुए 3 महीने हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड मैं आपको बताया था उस वीडियो के अंदर ही कि अब मैं हर एक चैप्टर का एक एक वन शॉट वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर पूरे अच्छे तरीके से चैप्टर को समराइज कराऊंगा। उसके बाद अगले ही वीडियो के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो बताऊंगा। ऐसे फिर हम अपने हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज उसको भी देख करके, उसी चीज को देख करके मैं अपनी पहली वीडियो लाया हूं जिसके अंदर हम अपनी करेंगे इस चैनल की सबसे पहली वन शॉट वीडियो। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो साइंस का है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, उसकी आज वन शॉट वीडियो करने वाले हैं हम। यानी कि एक ही वीडियो के अंदर, एक ही फ्लो के अंदर हम चैप्टर 1 को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाली, काफी बड़ी वीडियो भी हो जाएगी। ठीक है, पर हाँ एक चीज और, जो ये वाली वीडियो है ये इसमें सिर्फ आप थ्योरी बेस्ड वीडियो है ये वाली। थ्योरी बेस्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके अंदर जो एक्टिविटीज थी आपके चैप्टर के अंदर वो इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें इन चैप्टर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, तो मैं एक अपनी अलग वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसमें से क्वेश्चन बने जाते हैं, तो वो मैं लेकर के आऊंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर, जिसमें हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कितने कितने मार्क्स में आती हैं वाली क्वेश्चंस, तो वो सारी चीजें आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर पता चल जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी वन शॉट वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की। तो देखिए, पहला जो अपना टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। हम बात करें केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन की बात करें तो क्या है ये, द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेगा और उसमें क्या मिलेगा, उससे में मिल जाएगा यहां पे प्रोडक्ट। जैसे यहां पे एग्जांपल की बात करें, जैसे हम बात करें ए प्लस बी गिव्स सी, जिसमें जो ए और बी हैं वो होते हैं आपके रिएक्टेंट और जो सी है वो है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले इसको नोट करिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस, माफ करिए यहां पे जरा, देखिए एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो है रिएक्टेंट, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो है प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे देखिए, जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है जी, देखिए अब अगला जो टॉपिक है वो आपका केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन की बात करें, ये और कुछ नहीं है, ये सिंपली बात करें तो केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक वर्जन है कौन, केमिकल इक्वेशन। यानी कि जैसे हमने केमिकल रिएक्शन में लिखा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड,
अब हम क्या कर देंगे, जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स लिख देंगे, जो कि हमें पीरियड टेबल में पढ़ाए जाते हैं, जब हम उसको इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स लिख देंगे तो उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इट इज नथिंग, इट इज नथिंग बट ए सिंबॉलिक वर्जन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये और कुछ नहीं है, क्या ये सिंबॉलिक वर्जन है केमिकल रिएक्शन का, इसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये टू क्यों लगाया है मैंने, ये हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन से बताया केमिकल इक्वेशन क्या होता है, या कुछ नहीं सिंबॉलिक वर्जन है किसका, केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद अपना सबसे मेन टॉपिक जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके ऊपर से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए बैलेंसिंग करना, वैसे मैंने आपको अपनी एक वीडियो में सिखा रखा है, पर एक बार उसको दोबारा समझते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझिए, अब हम देखिए जैसे मैं एक रिएक्शन लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे हम, देखिए इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो कैसे इसको बैलेंस करेंगे, तो देखिए इसको हम यहाँ पे एक टेबल बनाई है। ठीक है जी, अब देखिए इस टेबल में, माफ करिए जरा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, अब हम इस टेबल में हम क्या करेंगे, इस टेबल में अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखिए बात करें पहले मैग्नीशियम की, फिर बात करें ऑक्सीजन की। तो मैग्नीशियम कितने हैं आपके रिएक्टेंट के अंदर, यह है रिएक्टेंट, यह है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में आपके मैग्नीशियम कितने हैं, एक। प्रोडक्ट में कितना है, एक। ऑक्सीजन की बात करें रिएक्टेंट में कितने हैं, दो, और प्रोडक्ट में कितना है, सिर्फ एक। तो अब आप यहाँ पे देखें बैलेंस नहीं है, जो रिएक्शन है आपकी बैलेंस नहीं है। अब आप वो क्या करेंगे, आपने मैथ के अंदर एक मेथड सीखा होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि हम जो अपनी इक्वेशंस होती हैं उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे नंबर से जिससे हम एक टर्म को क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। ऐसे हमें यहाँ पे करना है, हमें यहाँ पे एलिमिनेट नहीं करना है, पर क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम एक सेकेंड माफ करिए, इधर देखिए जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है ऑक्सीजन भी एक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय दो कर दें, यहाँ पे हमने दो लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो मैग्नीशियम है वो भी दो हो गए, मैग्नीशियम भी दो हो जाएंगे, पर यहाँ पे मैग्नीशियम एक है तो आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दी दो से। तो अब देखिए दो मैग्नीशियम यहाँ पे हैं, दो मैग्नीशियम यहाँ पे हैं, दो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है और दो ही ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन है वो हो चुकी है बैलेंस। तो क्या करना है बैलेंसिंग के अंदर, बैलेंसिंग के अंदर आपको सिंपली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लेकर के चलना है और एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिससे आपको जो जो आपकी रिएक्शन है वो क्या हो जाए, बैलेंस। देखिए एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, काफी अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला। C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। देखिए ये रिएक्शन है, ये काफी अच्छी रिएक्शन है, इससे आपको जो बैलेंसिंग है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे भी, हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर अपन यहाँ पे बात करें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट।
तो देखिए रिएक्टेंट में कार्बन कितने हैं, रिएक्टेंट में कार्बन है 6, और इसमें कितने हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में है सिर्फ एक, माफ करिए रिएक्टेंट में 6 और प्रोडक्ट में सिर्फ एक, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं 12, और प्रोडक्ट में कितने हैं 2, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है 8, 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 8, और प्रोडक्ट में कितने हैं 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 3। अब देखिए पहले जो आपको जो चीज बैलेंस हो रही है उसको बैलेंस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। ऐसे यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। देखिए तो 6, एक सेकेंड इसको जी, 6 कार्बन यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो अब देखिए 6 कार्बन, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा देखते हैं कि प्रोडक्ट में कितनी हो गई है। 2 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके 8 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे करना है इसको बैलेंस। अब इसको हम बैलेंस कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 के टेबल में 18 तो आता नहीं है। तो क्या करें, अगर मैं यहाँ पे 6 लगा दूँ, यहाँ पे 6 लगा दिया, तो देखिए 6 2 12, 12 प्लस 6 18, तो यानी कि 18 ऑक्सीजन हो चुके हैं, 6 कार्बन हो चुके हैं और 12 हाइड्रोजन हो चुके हैं, और ये रिएक्टेंट आपकी, ये जो रिएक्शन है क्या हो चुकी है आपकी, बैलेंस हो चुकी है। तो ये था आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक छोटा सा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है जी। बढ़े आगे अब, ओके। अब देखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद जो अपना टॉपिक है वो आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला इस चैप्टर में से। जो क्वेश्चन बनते हैं या तो बनते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर, या फिर टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके भी कई सारे टाइप हैं जिसको आपको यहाँ पे पढ़ना है अब अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम देखें कितने कितने टाइप हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, पढ़ेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इन दोनों रिएक्शन को मिलाने के बाद एक रिएक्शन और बनती है जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ये सारी चीज़ हम आगे अभी कंटिन्यू करते रहेंगे, पर पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अपने सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, आखिर क्या चीज है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो ये एक ऐसी रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल जाते हैं और उससे क्या बनाता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जिसमें जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट करें और क्या बना दें, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे, तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल तो कई सारे इसके हो सकते हैं। जैसे हम बात करें C+O2, एक कार्बन, माफ करें कार्बन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो उससे क्या बनाएगा आपका, उससे बना देगा आपका CO2। दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट हैं, उससे एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी हम बात करें Na+Cl, क्या बनाएगा, NaCl, ये भी क्या आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपको टाइप है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, पहले इसको नोट कर लिया, कर लिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आई कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक, माफ करिए जरा जी हाँ, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो
या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और जिससे एक ही प्रोडक्ट बने, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके जी। अब देखिए, अब हम बात करें यहाँ पे, तो इसके अंदर एक दो टॉपिक आपके और आते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ये एक ऐसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ साथ हीट एनर्जी भी बाहर निकल जाती है। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का क्या हो, हीट इवॉल्व हो जाए, हीट बाहर निकल जाए, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो जाए, हीट इवॉल्व हो जाए, हीट बाहर निकल जाए। किसमें से? केमिकल रिएक्शन में से जब हीट बाहर निकल जाती है, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है क्या चीज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, माफ करिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सबसे ही इंपॉर्टेंट जो एक एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में गिवन है और उसके ऊपर जो क्वेश्चन भी बनता है, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर, वो आपके एक एक्टिविटी के अंदर भी है, तो एक्टिविटी भी आपको समझाऊंगा मैं, पर पहले वो रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए, कॉम्बिनेशन का, माफ करिए, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था उसका जो एग्जांपल है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक सेकेंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, ये एक ऐसी रिएक्शन है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम चूना, और जब चूने के अंदर जब हम पानी मिलाएंगे तो उससे क्या बन जाता है, उससे बन जाता है आपका लाइम वाटर। और लाइम वाटर जो है इसमें से बनती है बहुत ज्यादा हीट बाहर। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जब बहुत ज्यादा बाहर निकल जाए तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यही रिएक्शन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के ऊपर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन दोनों तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे, तो इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा। तो इसको, तो आप इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट 5 स्टार रिएक्शन लिख के रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम। ठीक है, देखिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, समझिए। कोई भी कार्बन कंपाउंड हो, कोई भी कार्बन कंपाउंड हो, इस रिएक्शन को हम कार्बन एंड इस कंपाउंड में भी समझेंगे। अभी आप समझते हैं, कोई भी कार्बन कंपाउंड हो जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, क्या चीज, कार्बन कंपाउंड, तो क्या होगा वो? जैसे कोई भी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहां से हीट बाहर करेगा। और जब भी कोई रिएक्शन हीट बाहर कर रही है तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है,
देखिए एग्जांपल देखें, जैसे हम बात करें मीथेन की, मीथेन गैस की बात करें, मीथेन गैस को जैसे हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, वाटर बाहर निकलेगा और यहाँ से हीट भी बाहर निकल जाएगी। और जब भी हीट बाहर निकलती है तो ऐसे ही रिएक्शन को बोला जाता है क्या चीज़, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके जी। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद एक और रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यह एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब क्या होता है? देखिए याद कर, पहले इसको समझते हैं फिर उसको याद करने का तरीका बताऊंगा मैं। एंडोथर्मिक एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी कि जब हम हीट बाहर से देंगे। ठीक है, देखिए एक्सोथर्मिक में क्या था कि हीट बाहर निकल रही थी, जो एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर निकल रही थी, पर एंडोथर्मिक में क्या होगा, जो हीट है वो बाहर सरफेस से हीट लेगी अपने अंदर, और जब हीट अपने अंदर लेगी यानी कि हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व, माफ करिए इवॉल्व नहीं, हीट एब्जॉर्ब। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, हीट जब एब्जॉर्ब होएगी तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे कि एक्सो में हीट रिलीज होएगी और एंडो में हीट एब्जॉर्ब होएगी। तो देखिए इसको याद करने का सबसे इजी तरीका है, एक्सोथर्मिक की बात करें, एक्सोथर्मिक में तो एक्सोथर्मिक में एक शब्द आ रहा है एक्सो, एक्सो। ठीक है, अब यहां पे इसको देखें ईएक्स, ईएक्स को लेकर चलते हैं एक्स को। तो देखिए एक्स को लेकर चले अगर हम, तो ईएक्स क्या बन जाएगा, देखिए ई एक्स आई टी, एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, हीट को एग्जिट मिल चुकी है तो हीट यहां से बाहर निकल गई। ऐसे ही एंडोथर्मिक की बात करें, अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, एंडो थर्मिक रिएक्शन की बात करें, तो इसमें आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है जो है आपका एंडो। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसको लेकर चले, हम यहाँ पे चले ईएन को लेके, ईएन को लेकर चले, तो ईएन टीईआर क्या बन गया, एंटर, हीट को जगह मिल गई और ये अंदर घुस गई। ईएक्स में क्या मिल रहा था इसको, एग्जिट, ईएक्स से एग्जिट और ईएन से एंटर, यानी कि एक्सो, एक्सो का मतलब एग्जिट, एंडो का मतलब एंटर। एक ऐसी रिएक्शन जब हीट अंदर आ जाए, जब रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन को कोई एग्जांपल भी बता दीजिए सर। बिल्कुल, एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो एग्जांपल है वो हो जाएगा आपका फोटो सिंथेसिस। फोटो सिंथेसिस कैसे, देखिए जो प्लांट है आउटर सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, पानी लेगा, और ये रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगी और क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकालेगा। पर ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होएगी, ये होएगी सनलाइट की प्रेजेंस में। अब सनलाइट हमें क्या देता है, सनलाइट हमें पानी देता है, नहीं, सनलाइट क्या देती है, सनलाइट हमें हीट देती है, यानी कि हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, और जब जब हीट एब्जॉर्ब होएगी तब तब कौन सी रिएक्शन होगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जब जब हीट रिलीज होएगी तब तक कौन सी रिएक्शन होगी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो लिख लीजिए कॉपी के अंदर कि एक्सो का मतलब एग्जिट, एंडो का मतलब एंटर, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट को मिल गई है एग्जिट, एंडोथर्मिक यानी कि हीट को मिल गई है टिकट और वो आ गई है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, समझे, कोई दिक्कत नहीं जी। ओके जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, या फिर इसको एक और चीज से समझ सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, ये क्या लिख दिया अभी आपने, ये लिखा है दो जिसमें एक जान। क्या हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर,
दो जिस्म मिलेंगे और वो एक ही जान बना के खड़ी कर देंगे। ठीक है, यानी कि सिंपल बात करें, दो रिएक्टेंट है आपके पास, मान लीजिए एक रिएक्टेंट ए एक रिएक्टेंट बी, इन दोनों ने कर ली शादी और ये बन गए एक ही यूनिट। क्या बन गए? एक यूनिट बन के सी बन गए, सी मतलब एक प्रोडक्ट बन गए भैया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट बना देंगे, इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन दे रखा है, काफी प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। व्हाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है? अब पहले बात कर रेस्पिरेशन क्या होता है, जब आपको वो चीज समझनी है तो अच्छी तरीके से समझेंगे ना रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए पहले हम रहते हैं रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हम खाना खा रहे हैं जब वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होकर क्या बनाया वो एनर्जी, जब ये फूड किसमें चेंज हो जाए एनर्जी के अंदर, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहां पे जो रेस्पिरेशन है हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के टर्म में, क्योंकि अभी हमारा जो चैप्टर है केमिस्ट्री का है, पर हम चैप्टर 6 के अंदर जाएंगे जो आपका लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 6 पर नई बुक के हिसाब से चैप्टर 5 हो चुका है, क्योंकि चैप्टर 5 जो था आपका पीरियड क्लासिफिकेशन वो सीबीएसई के टर्म से कैंसिल आउट हो चुका है, तो वो चैप्टर हमें पढ़ना नहीं है। तो जो चैप्टर नंबर 5 है आपका नई बुक के अकॉर्डिंग जो है लाइफ प्रोसेस, तो उसके बारे में हम यहाँ पे अच्छी देखें बायोलॉजी के टर्म में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन को। ठीक है, तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री के टर्म में पढ़ते हैं। तो देखिए रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं, पहले हम यहाँ पे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन माफ करिए रिएक्शन देखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं। देखिए ग्लूकोज था आपका, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वही टूटेगा, और जो ग्लूकोज है जैसे ही वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया, ग्लूकोज जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। देखिए एक कार्बन कंपाउंड है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी कितना भी बड़ा कार्बन कंपाउंड हो जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, और क्या बाहर निकालेगा अपने अंदर से, हीट बाहर निकालेगा। तो यानी कि CO2 प्लस H2O प्लस हीट, और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकले उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, बहुत बढ़िया एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल चुका होगा, क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर आप यहां पे देखिए क्या लिखेंगे कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है या जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, वाटर में और हीट के अंदर टूट जाता है, हीट के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है, उसमें से हीट एनर्जी बाहर निकल जाती है। और जब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट एनर्जी बाहर निकले उस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आप ये वाली रिएक्शन यहां पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इतना सा आपको काम करना था, 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है वाला क्वेश्चन, तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस रिएक्शन को भी, इस क्वेश्चन को भी आप 3 स्टार दे दीजिए, क्योंकि 3 स्टार यानी कि पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन को हमने 5 स्टार दिया था, उस वाले क्वेश्चन को 3 स्टार दे रहे हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट तो है ये भी, समझ आया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कोई दिक्कत? ओके बढ़े आगे। तो आपके जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो तो यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, अब हमें यहाँ पे बात करनी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या मतलब है, डीकम्पोज होना, डीकम्पोजिशन से क्या समझ आ रहा है, डीकम्पोजिशन समझ आ रहा है मैं डीकम्पोज होना। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, डीकम्पोज का मतलब समझे, यानी कि एक चीज जब वो टूट जाए बिखर जाए उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक चीज बिखर जाए टूट करके उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि कोई सपना टूट जाता छन से, ठीक है, छन से टूटे कोई सपना तो क्या होगा, वो जब रिएक्शन है, एक आपका सपना था वो टूट गया और टूट कर बिखर गया,
उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट, या फिर ऐसे लिखिए इसको, ऐसे लिखिए द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इंटू टू और मोर प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? रिएक्शन की बात करें, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए, जैसे हम बात करें NaCl की, NaCl को जैसे हमने यहां पे एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो किस में टूट जाएगा, वो टूट जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, एक ही रिएक्टेंट था, इससे दो प्रोडक्ट बन गए हैं, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी, ओके। देखिए अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे एक दो हम और एग्जांपल देखते हैं। देखिए और एग्जांपल की बात करें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो हम वो समझते हैं कब, जब हम अपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप समझेंगे। क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप होते हैं? बिल्कुल होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन पार्ट में बटी हुई है। कौन कौन सा वो जो तीन पार्ट हैं, वो है आपके थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, और तीनों के तीनों महा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तीनों के तीनों महा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, थर्मल, इलेक्ट्रो, फोटो, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिए क्या है इंडक्शन के अंदर, समझते हैं इनको। देखिए जो पहली रिएक्शन है वह थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहले बात करें थर्मल का मतलब क्या होता है, हम बात करें यहां पे पहले, माफ करिएगा, थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है हीट। तो यानी कि ये तो समझ आ गया होगा, एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि किसकी प्रेजेंस में हो, जो कि हो हीट की प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो एग्जांपल देखिए, जैसे मैं वहाँ पे बात करूँ, एक सेकेंड, जी हाँ, देखिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि इसको बोलते हैं मार्बल, क्या बोलते हैं अपनी कॉमन भाषा में बोलते हैं मार्बल, बोले तो लाइमस्टोन या फिर लाइमस्टोन, ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको हमने हीट किया, ये हीट का साइन होता है ट्राइंगल जो होता है। ठीक है, हमने इसको हीट किया तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा CO2, माफ करिए एक सेकेंड, ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, और कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, यह चूना। ठीक है, यानी कि जैसे ही हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ये क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात, ओके। तो क्या है, यही एक रिएक्शन नहीं, पहली बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जी हाँ, जो भी आपको यहाँ पर रिएक्शन लिखवा रहा हूँ ना, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवा रहा हूँ आपको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सारी। ठीक है, इनमें से कई सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में दिखेंगी। ठीक है, जिसमें से एक ही वाली रिएक्शन हो गई, एक आपकी कैल्शियम, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसमें हमने बनाया था CaO+H2O वाली, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, रेस्पिरेशन वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे अभी हम आप एक और रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, देखिए इसको समझ आया,
एक और रिएक्शन देखते हैं। देखिए जो रिएक्शन लिखवा रहा हूँ आपको मैं, उसको तो आप 5 स्टार क्या, 10 स्टार क्या, 100 स्टार दे दीजिए, पक्का दिखेगी आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का। वो रिएक्शन क्या है? Fe SO4 को हमने हीट किया तो क्या बन जाएगा? Fe SO4 को हमने जब हीट किया तो क्या बनाएगा वो बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब बात करें Fe SO4 क्या है। Fe SO4 है फेरस सल्फेट, माफ करिए, क्या है? फेरस सल्फेट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, Fe को बोलते हैं हम आयरन, तो उसको बोल सकते हैं हम आयरन सल्फेट। Fe2O3 क्या है? Fe2O3 है आपका फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? इसमें आपको बन सकते हैं कि हमने फेरस सल्फेट लिया, उसको हमने हीट किया, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? दूसरा रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि हमने Fe SO4 लिया, हीट किया, तो डैश 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 ABC में क्या आएगा? ठीक है, तो आपका रिएक्शन इस पे कई सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस रिएक्शन के ऊपर, पर काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। एक और रिएक्शन समझेंगे, चलिए एक और रिएक्शन देख ही लेते हैं अब हम। आप इतना मुझे फोर्स कर रहे हैं कि भैया एक और रिएक्शन बता दो, एक और रिएक्शन बता दो, तो चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं हम, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो देखिए PbNO3 लिया हमने, इसको हमने हीट किया, क्या बनाएगा वो? वो बनाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। PbNO3 क्या है? Pb का मतलब होता है लेड और NO3 होता है नाइट्रेट, सो क्या बन गया? लेड नाइट्रेट। Pb होता है लेड, O होता है ऑक्साइड यानी कि लेड ऑक्साइड, और NO2 क्या हो गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और O2 क्या हो गया? ऑक्सीजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हमने हीट किया, क्या बना दिया वो? PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये कैसे कैसे हो रहे हैं सारी आपको एक्टिविटी के अंदर समझ आएगा, और ये जो हैं रिएक्शंस इसको हम अच्छे तरीके से तब भी समझेंगे जब हम यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे। अभी तो आपको यहाँ पे खाली मैंने रिएक्शन बता दी है, पर इसके ऊपर जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनते हैं इनके एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो वो एक्टिविटीज़ हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ बता देता मैं आपको एक्टिविटी भी और चैप्टर भी, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता। ठीक है, इसलिए सोचा है कि थ्योरी अलग पढ़ाऊंगा, एक्टिविटी अलग पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन अलग पढ़ाऊंगा, यानी आंसर उसमें बताऊंगा, आंसर के लिए अलग वीडियो नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चंस अलग बताऊंगा, एक्टिविटी अलग बताऊंगा, और चैप्टर को अलग समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, बढ़े आगे। ठीक है, तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यही था, उसके बाद जो आपकी रिएक्शन आती है वो है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है उसको समझते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए अब बात करें हम इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इसके लिए आपको एक एक्टिविटी है, आपके एनसीईआरटी एक्टिविटी 1.7, उसको देखिए हम यहाँ पे समझते हैं अब इस एक्टिविटी को, जिससे आपको जो रिएक्शन होने वाली इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन वो समझ आ जाएगी। देखिए डायग्राम पे मत जाइएगा, हमने एक बीकर लिया जिसमें पानी भर रखा है, एक टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने क्या लगा रखी है? रॉड लगा रखी है, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इलेक्ट्रोड लगा रखी है। ठीक है, और इसको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है? एक बैटरी से, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है इसको हमने। ठीक है, तो देखिए अब क्या है इसके अंदर, अब सीधी सीधी बात करें, जैसे हमने आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर गैसेस इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है, इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर क्या इकट्ठा हो जाएंगी? एक सेकेंड, गैसेस इकट्ठा हो जाएंगी इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर, और जो रिएक्शन है ये क्या हो रहा है? ये तो गैस है, कौन सी है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कौन कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को तोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन में क्या है कि जैसे ही हमने पानी लिया, ठीक है, पानी के अंदर जैसे हमने बिजली पास कर दी, बोले तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा H2 प्लस O2 गैस में। बैलेंस कर दीजिए इसको, रिएक्शन आपके यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन थी, ये है आपकी इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस पर क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम अपनी अगली वीडियो में हम एक्टिविटी पढ़ेंगे। नहीं, कोई चीटिंग नहीं करेंगे, चीटिंग किसी के साथ नहीं करनी, वरना फिर बाकी रिएक्शन करेंगे, बाकी एक्टिविटी करेंगे, भैया इसको तो आपने बता दिया इस वीडियो के अंदर, हमें आपने बताया नहीं, ठीक है। इसलिए चीटिंग किसी के साथ नहीं करेंगे, हम फेयर गेम खेलेंगे, ठीक है। हम बांग्लादेश नहीं है, ओ नहीं, देखिए चलिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आया, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमने क्या किया, कोई भी कंपाउंड जैसे हमने पानी दिया, पानी के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो क्या बन गया, वो H2 प्लस O2 गैस बन गई। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, ओके। इसके बाद लास्ट आपकी जो एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन की, इस चैप्टर के नहीं है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टॉपिक की जो लास्ट रिएक्शन है वो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें अगर हम, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमने सनलाइट की प्रेजेंस में एक कंपाउंड, एक रिएक्टेंट को तोड़ दिया दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, इसको क्या बोलते हैं हम, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटो का मतलब क्या होता है, तो खींच मेरी फोटो, नहीं, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, ठीक। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, इसके ऊपर भी एक एक्टिविटी 1.8 जिसके अंदर हमने इस रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझा है, उसको इस एक्टिविटी को अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं कब, अपनी अगली वीडियो के अंदर। देखिए आपको समझ आ रहे हैं अभी है क्या चीज, जैसे हमने AgCl लिया, क्या लिया, AgCl, बोले तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड के अंदर जैसे ही हमने सनलाइट पास कराई तो उससे क्या बन जाएगा, Ag प्लस Cl, ठीक है। सनलाइट की वजह से जो आपका एक कंपाउंड था वो टूट गया दो प्रोडक्ट के अंदर, ऐसी AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट ले ली, सनलाइट का सिंबल HNU, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Ag प्लस Br। इसको क्या बोलते हैं हम, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, अगली वीडियो में समझेंगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं इस एक्टिविटी के ऊपर, जो आपके पिछली दो वीडियो समझाई है ना मैंने, या तीन वीडियो समझाई आपको मैंने, पिछली तीन रिएक्शन, थर्मल, इलेक्ट्रो, फोटो, तीनों महा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। समझ आई पक्की बात, ठीक है जी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी सफर यहीं तक था, यहीं तक था सफर अपना, हमें है लौट के जाना। तो जो अगली रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं हम, डिस्प्लेस कर देना किसी भी चीज को, डिस्प्लेस कर देना अपनी जगह से हटा देना, यानी कि राजा को गद्दी से हटा करके खुद राजा की गद्दी में बैठ जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम FeSO4 प्लस Zn, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, फेरस सल्फेट से जिंक सल्फेट प्लस Fe, आयरन बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो जिंक था वो ज्यादा रिएक्टिव था एज कंपेयर टू आयरन, जिससे यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन आगे प्रोसीड हो गई। हमें पता चलेगा कि ये
कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है। तो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 में एक टेबल है रिएक्टिविटी सीरीज, आप उस पर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास इस स्लाइड में तो यहाँ पे नहीं है, अब होती तो आपको दिखाता। ठीक है, पर कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज अच्छी तरीके से दे रखी है। ठीक, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है। ठीक है, बाय द वे जो भी आपका पूरा टॉपिक है जो रिएक्टिविटी सीरीज का है, वो चैप्टर 3 के अंदर आपको सिखाऊंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज को याद कैसे करना है। काफ़ी इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक एग्जांपल देखें, चलिए आप इतना फोर्स करते हैं, एक एग्जांपल दिखाई देते हैं आपको। देखिए, जैसे मैं बात करूं H2SO4, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी रिएक्शन हमने जिंक से करा दी, क्या बन जाएगा, ZnSO4, कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन। पता कैसे चलेगा हाइड्रोजन गैस है, अच्छा क्वेश्चन है वाला, पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है ये वाली, क्योंकि जब हमने इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, जैसे हमने ये वाली रिएक्शन कराई, प्रोसीड कराई, तो जो गैस बाहर निकलेगी उसके आगे जब हम यहाँ पे एक कैंडल बर्न कर दें और वो जब गैस एक पॉप साउंड से फूटेगी, यानी कि कौन सी गैस है वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, बढ़ा के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आई? ठीक है जी, अगली रिएक्शन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को किस तरीके से याद रखते हैं हम, इसको याद हम याद रखते हैं, इसकी टोपी उसके सिर, इसकी टोपी उसके सिर। ठीक है, यानी कि फिर हेराफेरी। ठीक है, हेराफेरी करना, किसकी हेराफेरी करना, रिएक्टेंट की हेराफेरी करना। ठीक है, देखिए जैसे हम बात करें कि Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हमने कराई आपस में, तो क्या हो जाएगा, जो Ba की टोपी है वो आ जाएगी Na के सर, और जो Na की टोपी है वो आ जाएगी Ba के सर, इसकी टोपी उसके सर, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये आपके क्या हो गई, ये हो गया आपकी रिएक्शन कंप्लीट। देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन के ऊपर था, क्लोरीन के ऊपर बेरियम की टोपी थी, पर अब किसकी टोपी आ गई, सोडियम की। सल्फेट के ऊपर किसकी टोपी थी, सोडियम की, पर अब किसकी टोपी आ गई, बेरियम की। तो ये क्या है, यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी टोपी उसके सिर। काफ़ी ईजी रिएक्शन है वाली, आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी इस रिएक्शन के अंदर तो। ठीक है, पक्की बात, बढ़े आगे। ठीक है, तो अब अपना जो चैप्टर है वो खत्म होने के कगार पे आ रखा है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडॉक्स है, और जो टॉपिक आपके और हैं कोरोजन और ट्रांसिटिविटी, काफ़ी इजी टॉपिक है, वो भी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है। पहले हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन की। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें समझिए, या तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन रिमूव होएगा या हाइड्रोजन ऐड होएगा, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, अगर हम देखिए एग्जांपल की बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के, तो क्या होगा, CuO प्लस H2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ से रिमूवल ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, या तो रिमूव हो ऑक्सीजन या तो ऐड हो हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर एक टॉपिक आता है रिड्यूसिंग एजेंट का, किसका टॉपिक आता है,
रिड्यूसिंग एजेंट का। तो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो क्या होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट? एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे पर दूसरों का क्या करके छोड़ेंगे, दूसरों का रिडक्शन करके छोड़ेंगे। एक तरीके से ये होते हैं हीरो, फिल्म के हीरो, जो कि खुद तो मर जाएंगे पर अपने साथी दोस्तों को बचा देंगे। तो ऐसे ये कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो कि खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे पर दूसरों का रिडक्शन करके ही छोड़ेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जैसे कि हम बात करें क्या होता है एच, एक सेकेंड, एच सी ओ ओ एच, या फिर एक होता है ऑक्सैलिक एसिड जैसे सी ओ ओ एच, सी ओ ओ एच, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल, कौन कौन से? फॉर्मिक एसिड एच सी ओ ओ एच या फिर ऑक्सैलिक एसिड सी ओ ओ एच और सी ओ ओ एच, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, कोई दिक्कत? रिडक्शन क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? सेम टू सेम चीज आपकी ऑक्सीडेशन के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड होएगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होएगी, या तो ऑक्सीजन ऐड या फिर हाइड्रोजन रिमूव, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आपके कई सारे हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऐसे ही कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, ये भी क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ये क्या है आपकी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। इसमें ही आपका एक टॉपिक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो सेम है, जो कि खुद तो रिड्यूस हो जाएंगे पर दूसरों का क्या कर छोड़ेंगे, दूसरों का कर छोड़ेंगे ऑक्सीडेशन। खुद तो रिड्यूस होंगे पर दूसरों को ऑक्सीडाइज करके ही छोड़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल होता है KMnO4, KMnO4 होता है, या फिर H2O2 होता है जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। ये क्या आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्की बात? ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें, देखिए रिडॉक्स के नाम से समझ जाता है कि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ ही जब ये रिएक्शन कवर अप हो जाती है, एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इसको क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, देखिए CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। देखिए इसके अंदर आप देखें CuO से Cu, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी कि रिडक्शन। H2 से H2O, यहां पे क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सीडेशन। ये क्या आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देखिए इसका, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस Cu, ये क्या है आपकी? ये भी आपकी एक क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। Zn से ZnO से Zn, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडॉक्स, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। ये क्या आपकी एक, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? पक्की बात? ठीक है, तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हमने तीनों चीज़ें कवर ली हैं। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पक्की बात? बढ़े आगे। ठीक है, उसके बाद आपके छोटे छोटे दो टॉपिक रहते हैं। जी हाँ, दो ही टॉपिक रहते हैं आपके, अब कोरोजन और रेंसिडिटी। अब कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है, तो उसको हम समझते हैं। अब
देखिए कोरोजन क्या होता है, कोरोजन की बात करें कि हमने एक मेटल लिया या फिर हमने एक आयरन नेल ली, लोहे का नाखून नहीं लिया है, हमने आयरन नेल ली है, कील ली है, ठीक है, हमने कील ली, इसको हमने मॉइस्चर, ऑक्सीजन इन सब के प्रेजेंस में रखा, तो इसमें ब्राउन कलर की एक लेयर चिपक जाती है। इस ब्राउन कलर के लेयर के कारण जो आयरन है वो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और जो ब्राउन कलर की लेयर चिपक जाती है इसको बोलते हैं हम रस्टिंग, रस्ट बोलते हैं, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, कि जब एक आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर की कवरिंग चढ़ जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन। और उस आयरन के ऊपर जब वो रस्टिंग हो जाती है उसके कारण जब आयरन क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोरोजन को हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोरोजन का जो टॉपिक है या फिर चैप्टर 3 के अंदर भी है, इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोरोजन को तभी हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कोरोजन आपको चैप्टर 3 के अंदर दोबारा घूम के आएगा, तो हम उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। एक आपको छोटा टॉपिक है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जो खाना है, जो फूड आइटम है, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आए और उसका टेस्ट, स्मेल सब क्या हो जाए, चेंज हो जाए, यानी कि खाना क्या हो जाए, खाना जब खराब हो जाता है, इसको ये क्या बोलते हैं हम, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि खाने को खराब होने से बचाएं कैसे। देखिए सिंपल चीज है, खाना किसके प्रेजेंस में खराब हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि हम ऑक्सीजन को रोक दे, तो अगर हम खाने के अंदर ऑक्सीजन गैस ना भरें, हम कोई और गैस भर दें, जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजन गैस भर दी हमने, तो खाना बच जाएगा। जो आपके चिप्स होते हैं, जो आप कहते हैं जैसे लेज है, 10 रुपये का चिप्स आता है, आप कहते हैं इसमें 2 रुपये का जो चिप्स निकलते हैं, 8 रुपये की हवा होती है, वो 8 रुपये की हवा क्यों डाल रहे हैं उसके